नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। आज मैं आपके लिए यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम से जुड़े कुछ क्वेश्चंस लाया हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद आकाश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सामाजिक बीमाकरण के मानदंडों का सृजन करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है, किसने किया है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सार्वदेशिक रूप में स्वीकृत बुनियादी सिद्धांतों और सामाजिक सुरक्षा के सामान्य मानदंडों को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। तो हम लोग सी पे टिक कर लेंगे, सामाजिक सुरक्षा कन्वेंशन 1952। अगला प्रश्न, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? ये जुलाई 1924 में लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर बी। तो हम लोग बी ऑप्शन पे टिक कर लेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 भारत के किस राज्य में नहीं लागू है? अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें नहीं लगा हुआ है। अक्सर स्टूडेंट जो है नहीं को ध्यान में ना रखकर लागू किए पर जो है टिक लगा देते हैं, जिससे उनका आंसर गलत हो जाता है। तो कहाँ नहीं लागू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो जम्मू कश्मीर, डी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 लागू होता है, किस पर लागू होता है? तो ये जो है उद्योगों के कर्मचारियों पर लागू किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, उद्योगों के कर्मचारियों पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण का है। तो कथन दिया हुआ है, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 का उद्देश्य कर्मचारियों को व्यक्तिक क्षति की दिशा में प्रतिकर देना है। कारण, यदि दुर्घटना के परिणाम स्वरूप कर्मचारी जीवित बचता है तो प्रतिकर दिया जाता है, और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो प्रतिकर उसके आश्रितों को मिलता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको कारण और कथन दे दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कथन सही है और कथन का कारण भी सही है, ठीक, या केवल कथन सही है या केवल कारण सही है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो हम लोग ए पर टिक कर लेंगे, मतलब ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या कर रहा है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, कथन और कारण सही है। कथन दिया हुआ है, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम सभी कर्मचारियों पर लागू होता है, ठीक। तो ये मैं आपको बता दूं बिल्कुल गलत है। अभी हम लोगों ने 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ा, जिसमें था कि उद्योगों के कर्मचारियों पर लागू होता है, सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। अब कारण पढ़ते हैं, मतलब ए कथन जो है वो गलत है। अब कारण देख लेते हैं सही है या नहीं। अधिनियम एक कर्मचारी को ऐसी दुर्घटनाओं से होने वाली क्षतियों से संरक्षण प्रदान करता है जो कि उसके नियोजन के कारण और उसके नियोजन क्रम में घटित हुई हैं। तो ये सही है, मतलब कथन गलत है, कारण सही है। देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन डी आपका सही है, क्योंकि ऑप्शन डी में दिया है कि ए कथन गलत है परंतु आर सही है। तो हम लोग डी पर टिक कर लेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, कर्मकारों के नातेदारों में से किसे प्रथम श्रेणी में दावा प्रस्तुत करने का अधिकार है? तो जो इसका सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं ए है, कर्मकार के नातेदारों में उसकी विधवा को, अवयस्क धर्मज या दत्तक पुत्र को, दत्तक पुत्र का मतलब एडॉप्टेड सन, या पुत्री को या विधवा माता को। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात तृतीय श्रेणी के आश्रितों में सम्मिलित किया जाता है, कौन कौन सम्मिलित किया जाता है ये आपको जो है बताना है। माता पिता जिसके अंतर्गत विधवा माता नहीं आती है, तो ये भी ऑप्शन सही है आपका। अगला ऑप्शन जो दिया है, अवयस्क भाई या अविवाहित बहन या
विधवा बहन यदि वह अवयस्क है, यह भी सही है। अगला देखते हैं, विधवा पुत्र वधु तथा पुत्र मृत पुत्र की अवयस्क संतान, ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन जो है, अवयस्क दत्तक पुत्र तथा अविवाहित दत्तक पुत्री, ये भी सही है। मतलब आपका जो डी ऑप्शन जो है वही इसका आंसर हो जाएगा, तो हम लोग डी पर टिक कर लेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कथन और कारण दिया हुआ है। कथन दिया है, दूसरी श्रेणी में एक ऐसा पुत्र या पुत्री सम्मिलित है जो कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं किंतु जो कि शिथिलांग हो गए हैं। अब कारण देखते हैं, उसे उस कर्मकार की मृत्यु के समय उसके उपार्जनों पर पूर्णतया आश्रित भी होना चाहिए। तो ये इसका अगर देखेंगे कथन, तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो और यहाँ पे कारण जो है वो कथन पर डिपेंड करता है, मतलब आश्रित है और व्याख्या कर रहा है उसकी, तो इसका जो ऑप्शन है वो ए वाला जो है सही है। तो हम लोग ए पर सही का टिक कर लेंगे और आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किस न्यायालय ने रक्त संबंध भाई और सहोदर भाई दोनों भाइयों को समान माना है? रक्त संबंध तो समझ ही गए होंगे, सहोदर का मतलब सगे भाई, ठीक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने रक्त संबंध और सहोदर भाइयों को समान माना है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्मकार प्रतिकर संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा कर्मकार की परिभाषा से यह खंड समाप्त कर दिया गया है। कौन सा खंड समाप्त कर दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, आकस्मिक प्रकृति। तो हम लोग जो है ए ऑप्शन पे टिक कर देंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कथन और कारण एक बार फिर से हमारे सामने है। और आपको मैं बता दूं कि ईपीएफओ में कथन और कारण के भी जो है प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो कथन दिया है, आकस्मिक प्रकृति के नियोजन का अर्थ है संयोगवश नियोजन या अनिश्चित समय के लिए नियोजन अथवा अनिश्चित परिस्थितियों में नियोजन, तो ये बिल्कुल सही है। और कारण, कारण पढ़ते हैं, यह एक ऐसा नियोजन है जो कि अवसर पर निर्भर करता है, इस संबंध में नियोजन में नियुक्त करने का कोई संविदा नहीं रहती, ये भी सही है। और मैं आपको बता दूं कि कारण जो है वो कथन पर डिपेंड है, आश्रित है, मतलब उसकी व्याख्या कर रहा है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो जो सही आंसर है वो ए वाला है, तो आप ए पर टिक कर लीजिएगा। और अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न, कथन और कारण दोबारा हमारे सामने हो, मैं फिर से आपके सामने कथन पढ़ देता हूं। यदि कोई कर्मकार किसी दुर्घटना से हुई क्षति के परिणाम स्वरूप किसी ऐसी शारीरिक खराबी से क्षतिग्रस्त हो जाता है जिसे कि उस कर्मकार को काम करने की शारीरिक क्षमता में कमी नहीं आती, परंतु वह क्षति उसे पूर्व की अपेक्षा बाजार में नियोजन पाने पर युक्तिसंगत रूप में कुप्रभाव डालती है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका जो है कथन बिल्कुल सही है। अब कारण की बात करते हैं कि उस समय कर्मकार पूर्ण निशक्त माना जाएगा, तो ये गलत है, मतलब ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन देख लेते हैं और आपके ऑप्शन, आप डी वाला जो है आपका ऑप्शन होगा क्योंकि ए सही है परंतु आर गलत है। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कर्मचारी भविष्य निधि परिवार पेंशन निधि और निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि अधिनियम 1952 को किस वर्ष संशोधन कर परिवार पेंशन निधि के स्थान पर पेंशन निधि किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, 1996। तो हम लोग डी ऑप्शन को टिक कर लेंगे, हम लोग डी ऑप्शन को टिक कर लेंगे अब। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताएं जिनसे उनको भी कुछ फायदा हो सके। थैंक यू।